नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेना किचन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी सूपी और चटपटी मैक्रोनी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग 250 ग्राम मैक्रोनी, जिसे मैंने पानी में नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के उबाल लिया है। प्याज कटी हुई, टमाटर हरी मिर्च बारीक कटे हुए, गार्निशिंग के लिए धनिया हरा, और इसमें डालने के लिए हमें सूप चाहिए हॉट एंड सोर वाला, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, और एक मैगी मसाला। अब हम अपनी मैक्रोनी बनाना शुरू करेंगे। अब आप देख सकते हैं कढ़ाई में घी गरम हो गया है। अब हम इसमें अपनी कटी हुई प्याज डालते हैं। अब प्याज को हम डार्क ब्राउन होने तक भून लेते हैं। अब आप देख सकते हैं प्याज हमारी लगभग भुन गई है। अब हम इसमें अपना टमाटर और हरी मिर्च कटी हुई डाल के इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। अब हम इसमें अपना हॉट एंड सोर वाला कोई भी कंपनी का आप सूप डाल सकते हैं। इसे डाल के हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है ताकि लम्स ना पड़े। अब हम इसमें थोड़े थोड़े सूखे मसाले डालेंगे। अब हमने थोड़े सूखे मसाले डाले हैं, आधी टी स्पून हल्दी, आधी टी स्पून मिर्च और आधी टी स्पून नमक। अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे। सबसे पहले हम आधा ढक्कन सोया सॉस डालेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें एक ढक्कन विनेगर डालेंगे। इसे भी मिक्स। अब हम इसमें अपनी उबली हुई मैक्रोनी को मिक्स कर देते हैं। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके मीडियम स्लो गैस पर 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेते हैं ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें अपना एक पैकेट मैगी मसाले का डाल देते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसे 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। Say